ये वाले कपड़े और ये टॉफी चॉकलेट फूफा जी लेकर आए, और ये वाले कपड़े ब्रजेश दीदी लेकर आए। क्योंकि लिख रहा ब्रजेश दीदी ससी लोग वालों के यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको कर दी इस तरह के टी शर्ट है और जींस है। एक जोड़ी तो ये है, एक जोड़ी ये है, दो जोड़ी कपड़े लेकर आए हैं ब्रजेश दीदी। ये कैप्री वाले है, कैप्री टी शर्ट वाला गिफ्ट, और ये एक जोड़ी कपड़े अथर्व की पारुल मुझसे लेकर आए। इस तरह के है कपड़े, टी शर्ट और पैंट है। और अथर्व के पापा जी जो अथर्व ने अपने बर्थडे में कुर्ता पहना गया था ना जैकेट वाला, वो कुर्ता और रिक्शा लेकर आए थे। और दो जोड़ी कपड़े, एक फोटो और एक टैडी, अर्णव की टी शर्ट और मेरी एक साड़ी, इसकी मुस्सी लेकर आई बड़ी मुस्सी, इसके अलग मुस्सी दिखाऊंगी मैं अभी। अथर्व के तो ये दो जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी तो ये वाले है, एक जोड़ी ये वाले है, अर्णव की टी शर्ट है और ये टैडी है उधर रखा, खोल कर दिखाऊंगी आपको। और ये फोटो है, और मेरी साड़ी, अपनी साड़ी भी दिखाऊंगी ये रखी सबको टेबल पर लाइए बाबू बंद कर लिए। और ये वाली साड़ी मेरी है, तो बताइए कैसा लगा। और ये तरह के दो जोड़े कपड़े और बचे जो कि बिना नाम के है, पता नहीं कौन लेकर आया, एक तो ये वाले और एक ये वाले। तो बस गाइस यही थे अथर्व के सब गिफ्ट, और एक ये भी टैडी है, ये भी इसके मम्मी ने लेकर आए थे, और एक गिफ्ट अथर्व का बार भी रखा जो प्रियम दीदी के सास ससुर ने दिया गाड़ी, मतलब मुस्सा मुस्सी जी ने दी गाड़ी अथर्व चलते हुए। देखो आपने व्लॉग में या मैं बार रखी हो गाड़ी दिखा दूंगी अभी। तो गाइस जो अथर्व का लास्ट गिफ्ट है वो है जो मुजफ्फरनगर वाली बुआ जी है ना बबीता बुआ जी, उनका गिफ्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। बुआ जी एक तो एक जोड़ी तो अथर्व के कपड़े लेकर आई थी और अर्णव का पैड शर्ट लेकर आई थी। अथर्व के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, दिखाती हूँ आपको। हेलो हेलो चल रहा है, मैं मुझे पता भी नहीं है। ये वाले कपड़े मुझे बुआ जी के बहुत पसंद आए, देखो टी शर्ट और कार्गो, कलर भी अच्छा लगा और डिजाइन भी अच्छा लगा। बोजी के कपड़े अर्णव को भी अच्छे लगे, मैंने रात दिखाए थे ना अर्णव को, मैं कहती हूँ बोजी के कपड़े बहुत अच्छे हैं। और ये अर्णव का पैच शर्ट है, और थिल्ले पर बोजी का नाम भी है, ये रहा बबीता बोजी मुजफ्फरनगर, ये रहा यहाँ का। तो बस तो गाइस बस यही गिफ्ट थे अथर्व के जो मैंने आपको दिखाए, बताना किसका अच्छा लगा किसका नहीं। वैसे तो सभी के गिफ्ट अच्छे हैं, सबने अथर्व को बहुत सारा प्यार भी दिया और प्यार के साथ साथ गिफ्ट भी दिए। गिफ्ट जरूरी नहीं होते, बच्चे को आशीर्वाद देना जरूरी होगा तो वो सब नहीं दिया अथर्व को। गाइस गिफ्ट तो मैंने आपको सभी दिखा दिए, पर वो ये है कि कुछ गिफ्ट के बारे में मुझे पता और कुछ के नहीं पता, क्योंकि कुछ गिफ्ट मम्मी के रूम में रखे थे, मम्मी को दिए गए थे, और कुछ इधर वाले रूम में रखे थे। जो इधर वाले रूम में रखे थे मेरे पास, मैंने सभी के गिफ्ट में नाम डाल दिया था साथ के साथ, और जो मम्मी के पास थे मम्मी जल्दबाजी में डाल नहीं पाए, तो इसलिए कुछ गिफ्ट के बारे में नहीं पता। जिसके बारे में पता था कि कौन लेगा मैंने बता दिया, और जिसके बारे में नहीं पता था मैंने ऐसे ही दिखा दिया, क्योंकि भाई वीडियो के द्वारा जो भी जो कुछ लेकर आया उसे पता चल जाएगा, फिर ऐसा ना दिखाती तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मुझे नहीं पता। जो लेकर आया उसे तो पता ही होगा। तो ठीक है गाइज, जो गिफ्ट थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और अथर्व के मम्मा अथर्व की बाइक लेकर आए थे, और चार जोड़ी कपड़े मैंने आपको दिखाए, और बाइक अलमारी के ऊपर रखी और नव दिखावाएंगे। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अथर्व गंगा के साथ घूमने के लिए जा रहा था और अभी आया, घूम के दिखाती हूँ आपको। अपना टैडी देख कर ना बहुत खुश हुआ है, देखो देखो क्या कर रहा टैडी के साथ, पत्ते करने लग रहा। अब फोटो के पास चला गया गंगा बेटा, फोटो तो तोड़ता गया, पकड़ ले इसे बाबू, चल खेल ले थोड़ी देर और दीदी के साथ है, मैंने रख दूंगा। और ये वाली गाड़ी ना जो मुझे फनागर वाले मुस्सा जी और मुस्सी जी उन्होंने गिफ्ट की, जिसके ऊपर किट्टू घूम रहा बैठ के।
मैं वैष्णो के कपड़े लेकर आई और अथर्व के लोफर लेकर आई, वे भी दिखाऊंगी आपको। ये कपड़े है, ये तो टॉप है, इस तरीके का है, इस तरीके का, ये तरीके का है, और ये पैंट है। अकेले से दिखाई नहीं देते जब भी, तो इस तरह की पैंट है, जींस मतलब पैंट और टॉप है। मेरा सूट के कपड़े तो टॉप है और ये पैंट है, लोफर है। परेस मैंने लगा लिया है, तो बिना परेस के कपड़े है, और ये परेस करके रख दिए और इस पर करने लग रही कुर्ती पे, यहाँ पे मैंने लगा रखी परेस। और अवनी अथर्व की नक्कर लेने के लिए आ रही। हाँ बाबू, नक्कर ये तो रही बाबू की, इसके नीचे कॉटन, कॉटन वाली, कॉटन वाली, हाँ यही यही। सभी कपड़ों पर परेस हो गई है, जो बिना परेस के थे उनकी तय हो गई, और जो परेस के थे परेस हो गई, पूरे में क्लीन हो गया। देखो यहाँ पर पूरी चेयर भरी हुई थी ना कपड़ों की, तो मैंने सारे कपड़ों पर परेस कर दी और तय भी बना दी, और इससे चेयर पर टैडी को बिठा दिया। देखो टैडी वजह कर रहा है चेयर पर बैठ के, और परेस अभी वहाँ पर रख रखी क्योंकि अथर्व आ गया था ना, अथर्व को फीड कराया, तो मैंने परेस नीचे रख दी थी, कभी अथर्व अपना हाथ लगा ले, क्योंकि अथर्व बहुत परेशान रहना है, तो इसीलिए। बाबू के कपड़े हैं, बाबू के भी मैंने सभी कपड़ों पर परेस कर दी, कुछ अलमीरा में लगा दिया मैंने। गाइस शाम के 8 बजे और खाने का टाइम हो गया है, और आज मैं खाने में गाइस सामक के चावल की खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि व्रत है ना, तो इसीलिए। अभी मैं आ गई हूँ और मैंने सामक के चावल की खिचड़ी छोक दी है, क्योंकि कुट्टू तो नुकसान दे है फिर, रोज खा खा के कल खाया था, तो आज अर्णव मना कर रही है कि कुट्टू ना बनाइए, सामक के चावल की खिचड़ी बनी, तो आज इसीलिए खिचड़ी बनाई, कुट्टू का कुछ नहीं बनाया, तो रात पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया ना, तो इसीलिए नुकसान दे है। सुबह इतना ही सिर्फ बनना था ना बहुत ज़्यादा। तो देखो खिचड़ी छोक दी क्या, तो बनने वाली है बस, ये देखो 5-7 मिनट में बन जाएगी। मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कढ़ाई में ना अच्छी बनाई, खिली खिली सी, वरना कुकर में पानी वाले सी बने हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं होता, तो इसलिए आज मैंने कढ़ाई में ही बना दी, सूखी सूखी से अच्छी लगे ना, दही के साथ या मट्टी के साथ। बनाने के लिए मिर्च रख दी, संधे नमक की, और हरे धनिये की चटनी बनेगी व्रत वाली। जो जो गिफ्ट मिले अदिति ने आपको दिखाए, जैसे भी दिखाए, थोड़ा बहुत 19-20 करके दिखा दी बेचारे पे, इतना सब कुछ नहीं आता, अगले को लगा रहना पड़ता है। तो बात ऐसी है भाई, जो गिफ्ट अदिति को हाथ में मिले, तो उसने अपने पेन से लिख लिए, और जो मम्मी मेरे को मिले उन्होंने नहीं लिखे, जल्दबाजी में जैसे भी था उन्होंने लेकर रख लिए, तो मम्मी खुद ही याद नहीं है कि मैंने मुझे किसने क्या क्या कपड़े दिए, क्या गिफ्ट दिया, कुछ याद नहीं है मम्मी को, क्योंकि काम इतना था। देखो भाई, एक घर में जब प्रोग्राम रहता है ना, तो आदमी बिजी इतना रहता है, क्योंकि खाना ऊपर भी चल रहा था छत पर, और नीचे भी चल रहा था, तो उस चक्कर में खाने खिलाने के चक्कर में समय मानो को थोड़ा सा, देखो किसी घर में प्रोग्राम होगा तो सबको पता होगा कैसे कैसे है, कि जिसने नाम लिख के दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अदिति ने कि अपने घर वालों की मुसीबत, भाई बुआओं का भी नाम लिया है, मम्माओं का भी नाम लिया है, जिसने लिख रखा था सबका नाम लिया है वो, अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो तो पता चल जाएगा, वरना जिसे कमी निकालनी है तो वो तो निकाल लेगा भाई, जिसकी हैबिट बन गया ना शायद, वो अपने घर में अपने माँ बाप के अंदर, अपनी बहनों के अंदर, भाई अपने पूरे खानदान के अंदर कमी निकालता होगा वो इंसान, तो भाई उसको कुछ नहीं कर सकते, तो उसको इग्नोर, ठीक है, जवाब दिया है मैंने, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर उस इंसान को इग्नोर कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना वो कहते हैं ना कि कीचड़ में ईंट मारोगे, डला मारोगे तो कीचड़ खुद ऊपर आएगा, तो उस इंसान से बच के रहो, तो हम बच के चल रहे हैं भाई, वरना बोलने को मैं बहुत कुछ बोल दूँ अपना, ऐसे ठीक है, बोलते हैं ना कि पति को बुरा लग जाएगा भाई, पर पूरा वो लोग देखा करो, जब पता लगा कैट 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 कट कट कर कुछ मत करो, पूरा वो लोग देखो सब पता चल जाएगा, उसने सीधा बोला है भाई, जिस पे लिखा हुआ था मैंने सही से बताया है कि किसने क्या कपड़े दिए, जिसने नहीं लिखा तो उसकी क्या गलती है, कि मम्मी को खुद ही नहीं पता कि किसने क्या कपड़े दिए, तो भाई वो लोग इंजॉय करा करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करते ना, बस टेंशन लिया करो ना खुद लिया करो, सीधी सी बात है भाई। लोग यहाँ पर ही एंड करते हैं, गिफ्ट वाले वो लोग ख़त्म हो गए, अब तो बस डेली का चलेगा रूटीन, और बहुत कुछ है भाई बताने के लिए, सुनने के लिए, तो बातें चलती रहेगी, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए वो लोग को, तो खूब सारा प्यार दीजिए, जो जो भी हमारे
प्रोग्राम में शामिल हुआ भाई, उसको बहुत सारा प्यार यार, उन्होंने उनके लिए थैंक यू किए, अपना समय कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए और हमारा जो जागरण है और भी अच्छा करा भाई। और हाँ ये भी है कि रिश्तेदार तो आए थे भाई, एक बंदा जो अभी दो बंदे हैं वैसे तो, एक अमित भाई है देसी प्रैंक के नाम से भाई, उनके 1 लाख फॉलोवर है, और 1 मिनट फॉलोवर है, उनके भी 1 लाख फॉलोवर है भाई, दोनों आए थे। मतलब कि यार, मतलब एक बंदों को एक बार बोला और आ गए, पहले हम जान पहचान तो इतनी थी नहीं, पर जब से मिले हैं बहुत अच्छा मजा आया भाई। आपने व्लॉग में देखा है कि डांस डोंस भी किया और इन्फ्लुएंसर है भाई, वे भी बहुत अच्छा, मगर बहुत अच्छा, मतलब सामने का नाम रोशन कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। हम तो थे ही पहले से, हम तो लगे पड़े हैं भाई अपना, हम तो घर घर का बना, पर वे बाहर का भी सब कुछ बनाते हैं। देखिए, इंजॉय कीजिए, उनका भी जाकर वीडियो वाडो देखिए, इंस्टाग्राम पे सिर्फ। वे तो मिलते हैं, बाय बाय, सी नेक्स्ट व्लॉग। राम राम जी, जय बजरंग, जय माता दी।